चलिए कौन सा क्वेश्चन है पेज नंबर 11.18 P3 जो डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम का है, इसमें लिखा हुआ है विघ्नेश जो 61 इयर्स का है, 61 साल का सिग्निफिकेंस क्या है, 61 इयर्स का सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो सीनियर सिटीजन हो जाएगा और कुछ नहीं लिखा हुआ तो रेजिडेंट मानेंगे, कहां कहां बेनिफिट मिलेगा इसको? एक तो स्लैब रेट का बेनिफिट मिल जाएगा, दूसरा डिडक्शन में जहां भी मेडिकल आएगा ना वहां पर सीनियर सिटीजन को बेनिफिट है जो मेडिकल से रिलेटेड है, और डिडक्शन में मेडिकल से रिलेटेड एक 80DD है और एक 80DD B है। 80DD क्या है? मेडिक्लेम इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, और 80DD B है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। और जो हेल्थ इंश्योरेंस है जहां पर मैक्सिमम लिमिट 25,000 की जगह 30,000 हो जाएगा, और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज में जो लिमिट 40,000 की है वो 60,000 हो जाएगी, और सुपर सीनियर सर्जन के लिए 80,000 हो जाती है। और 80D में अगर आप सुपर सीनियर सर्जन का इंश्योरेंस नहीं मिलो तो भी 30,000 का रिडक्शन मिल गया। तो ये बेसिक पॉइंट है सीनियर सर्जन का सिग्निफिकेंस का, ठीक है? तो इसमें लिखा था ये बिजनेस इनकम 4,25,000 रुपया कमा रहा है और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक कमा रहा है 17,000। अगर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक कमा रहा है तो इसको 80TTA का ऑटोमेटिकली डिडक्शन मिल जाएगा, कितना? 10,000 का। तो ये इनकम पहले ऐड होगी फिर ग्रॉस टोटल इनकम में माइनस होगा। ऐड किस हेड में होता है? इंटरेस्ट, अदर सोर्सेस में, माइनस सब कुछ जोड़ने के बाद हो रहा है। कहां से? ग्रॉस टोटल इनकम में से, यहां से माइनस हो जाएगा, ठीक है? अब इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है डोनेशन 80G का, और 80G में जो डोनेशन लिखा हुआ कैश डोनेशन, और कैश डोनेशन इन एक्सेस ₹20,000। और मैं पर ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि अगर मैं 5 लोगों को 20,000 कैश से ज्यादा दे रहा हूं तो मुझे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं 5,000 रुपया कैश 4 लोगों को दे रहा हूं, 5,000 कैश इनको 5 लोगों को दे रहा हूं, तो टोटल कितना हो रहा है? 25,000। उसके बावजूद डिडक्शन मिल रहा है क्योंकि ये पर ट्रांजेक्शन है। क्या है? पर ट्रांजेक्शन। एक ही एनजीओ को एक साथ एक ही बार में आप 20,000 रुपए से ज्यादा देते हैं तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर कैश है। तो कैश डोनेशन एक्सेस ₹20,000 डिडक्शन इसलिए 0 कर दिया। फिर अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं 1 रुपया भी कैश में तो इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। और आपके असेसमेंट ईयर 18-19 में जो 2018 में एग्जाम देंगे उनके लिए लिखा सेक्शन 13A में डाला कि अगर वो 2,000 रुपया से ज्यादा कैश डोनेशन रिसीव करते हैं तो उनके हैंड में वो इनकम मान ली जाएगी, ठीक है? तो बोथ वे रिस्ट्रिक्शन डाल दिया। तो अभी तक 17-18 में रिस्ट्रिक्शन कहां है? मेरे तरफ है, जो डोनर है कि उसको कहा कि हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे अगर आप कैश डोनेशन 1 रुपया का भी करोगे, और उधर पॉलिटिकल पार्टी को कहा कि अगर आप डोनेशन रिसीव करते हैं 2,000 रुपए से ज्यादा कैश में तो हम आपके हैंड में इनकम मान लेंगे। 80E इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एडुकेशन, इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी इंटरेस्ट दे उसका डिडक्शन उसको मिल करेगा। तो वो 8,000 लिखा हुआ 8,000 दे दिया। फिर 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, बॉक्स 1 में कौन आएगा? सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। बॉक्स 2 में कौन आएगा? पेरेंट्स डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट। और यहां भी अगर आप कैश डोनेशन कैश कप में प्रीमियम पेमेंट करेंगे तो उसका हम डिडक्शन नहीं दे रहे, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर आप कैश में करवाएंगे तो हम उसका डिडक्शन देंगे। और मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 5,000। तो यहां पर 17,000 प्रीमियम वाला है, 2,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, यहाँ 4,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो ये सब लिमिट में है, 25,000 और 30,000 के लिमिट में, तो हम पूरा डिडक्शन दे रहे हैं। तो हमने 23,000 लिख दिया दोनों को जोड़ के। 80TTA में बता चुका। 80C लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पेरेंट्स के लिए डिडक्शन नहीं मिलेगा, सेल्फ के लिए मिल जाएगा, लेकिन एश्योर्ड अमाउंट 10% से ज्यादा प्रीमियम देंगे तो 10% तक डिडक्शन मिलेगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? जब ये मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव करेगा तो उसको सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D का एग्जेंप्शन नहीं मिलेगा, तो वो एग्जेंप्शन विड्रॉ हो जाएगा। तो यहां पर प्रीमियम 10% तक लिमिट कर दिया। मेजर सन, अब यहां पर 80C में जो लिखा हुआ फैमिली मेंबर सेल्फ स्पाउस एंड चाइल्ड डिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट मैरिड अनमैरिड डॉटर मैरिड अनमैरिड सन मैरिड अनमैरिड उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका मिलेगा। तो मेजर सन का भी हमने डिडक्शन दे दिया एश्योर्ड अमाउंट 10%। तो टोटल कितना हो गया? 40,000। ये सबको हमने जोड़ दिया 8, 23, 10 और 40 को, तो टोटल 80C टू 80U कितना हो गया? 81,000, जो हमने यहाँ माइनस कर दिया। तो टोटल इनकम हो गया
3,61,000 आया। चलो